जो 1 साल का वैलिड रहेगा, उसमें अगर किसी भी तरह के आपको हेल्प चाहिए, तो अगर आपसे कोई ऐसा लगे कि प्रशासन हो या कोई अन्य भी बंदा हो जो आपसे गलत बिहेव कर रहा है, तो उस जगह पर आपको संस्था सहायता करेगी, मिलेगी, एकजुटता करेगी, और जो संगठन के जो काम है उसके जो खर्चे हैं उसमें थोड़ा बहुत इससे सहयोग मिल करेगी। जी, लिखा हुआ है पटना कैब ड्राइवर्स यूनियन इंटक, यानी कि कांग्रेस की जो संगठन है, मजदूर यूनियन है, उसकी ये इकाई है, उससे ये संबंध है। और इस पर लिखा हुआ है कि एस शर्मा, यानी कि शिवशंकर शर्मा जी का इस पर हस्ताक्षर है। यह 2 पन्नों में किया हुआ है 20 FR के, ताकि इसकी डुप्लीकेसी ना हो। तो ये सदस्यता रसीद लेकर चल रहे हैं, इस पर अध्यक्ष जी का और सचिव जी का साइन भी है। तो क्या कर रहे हैं, ये रसीद लेकर क्यों घूम रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ विद्रोही और आप देख रहे हैं डीपी फुल वॉइस। अभी हमारे साथ एक हट्टे कट्ठे लंबे नौजवान को देख रहे हैं। यह नौजवान ड्राइवर यूनियन का एक पदाधिकारी है और पटना में पटना कैब ड्राइवर्स यूनियन नाम का एक एसोसिएशन चलता है, ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जिसका काम है कि ड्राइवर जब भी किसी विपत्ति में हो, परेशानी में हो, तो उनकी सहायता करना। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी, उस घटना में सबसे ज़्यादा तत्परता देखी गई, तो वो ड्राइवर एसोसिएशन के जो धनंजय जी हैं, ये सभी साथियों से कोऑर्डिनेट करते हुए मौके पर पहुँचे थे और जो ड्राइवर के साथ परेशानी हुई थी उसको सहायता दिलाने का काम किया। अभी एक ये काम कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं कि सभी ड्राइवर एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को जाने पहचाने, एक फैमिली, एक समाज का हिस्सा बने। तो क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से इनका प्रयास जारी है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका डीपी ब्लू वॉइस। आपको भी स्वागत है, आपको जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी को स्वागत है। धनंजय जी, ड्राइवर एसोसिएशन की जरूरत आपको क्यों महसूस होती है? कोई ड्राइवर आपकी एसोसिएशन से क्यों जुड़े, पहला सवाल। ड्राइवर एसोसिएशन से जरूरत और इससे जुड़ने का तात्पर्य है कि जो यूनियन है, यूनियन का मतलब ही होता है आपका प्रश्न लड़ाई है, जिसको सभी लोग सामूहिक मिलकर लड़े और एक दूसरे का सहयोग करें और साथ रहने के लिए। तो अभी के समय में जैसा यह मालूम चला कि इस संगठन में और भी लोग हैं, कन्हैया जी हैं, प्रभात जी हैं, मिथिलेश जी हैं और भी कई साथी हैं, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। इस बीच में आपके साथ में आप एक मेंबरशिप रसीद लिए हुए हैं, इस मेंबरशिप रसीद का क्या कर रहे हैं आप? कौन कौन लोग आपके साथ इस मेंबरशिप रसीद का संस्था चला रहे हैं? ये पटना कैब ड्राइवर्स यूनियन इंटेक का ये यूनियन एक बार आके इस रसीद को दिखाइएगा, ये क्या रसीद है। तो ये देखिएगा कि लिखा हुआ है पटना कैब ड्राइवर्स यूनियन इंटक, यानी कि कांग्रेस की जो संगठन है, मजदूर यूनियन है, उसकी ये इकाई है, उससे ये संबंध है। और इस पर लिखा हुआ है कि एस शर्मा, यानी कि शिवशंकर शर्मा जी का इस पर हस्ताक्षर है। यह 2 पन्नों में किया हुआ है 20 FR के, ताकि इसकी डुप्लीकेसी ना हो। तो ये सदस्यता रसीद लेकर चल रहे हैं, इस पर अध्यक्ष जी का और सचिव जी का साइन भी है। तो क्या कर रहे हैं, ये रसीद लेकर क्यों घूम रहे हैं? सब ड्राइवर को एकता से जोड़ रहे हैं, एक सदस्य दिला रहे हैं जिसको ड्राइवर कैब यूनियन के सदस्यता है, और सभी को एकजुट कर रहे हैं सदस्य दिलाकर। ये सदस्यता अगर किसी को लेना हो तो कैसे ले सकता है, कहां पर आ सकता है, किनसे किनसे संपर्क कर सकता है, कौन लोग मेंबरशिप करा रहे हैं? देखिए, यूनियन के सभी जो लीडर हैं सभी लोग कर रहे हैं, और खासकर हम 12 से लेकर 5 बजे तक एयरपोर्ट के पास, जो एयरपोर्ट एग्जिट से शेखपुरा मोड़ जो रोड जाती है, अदन्या भवन के जो 3 मुहानी हैं, वहीं पर हम रहते हैं और वहां से आके ले सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन की सुविधा है, आप कॉल पर संपर्क कर सकते हैं, और जहां उनको नज़दीकी रहेगा वहां भी कोई मेरे लीडर रहेंगे, वहां से मुलाकात करके ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आपके संगठन का मेंबर बन जाता है, तो मेंबर बन जाता है वो 120 रुपया देगा, तो बदले में उसको सुविधा क्या मिलेगी? किस तरीके से वो संगठन का मेंबर हुआ तो क्या मैंने उसको लाभ? देखिए, 120 रुपया संबंधता शुल्क होती है जी, जो कुछ इंटेक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जाती है जी, जो 1 साल का वैलिड रहेगा। उसमें अगर किसी भी तरह के आपको हेल्प चाहिए, तो अगर आपसे कोई ऐसा लगे कि प्रशासन हो या कोई अन्य भी बंदा हो जो आपसे गलत बिहेव कर रहा है, तो उस जगह पर आपको संस्था सहायता करेगी, मिलेगी, एकजुटता करेगी, और जो संगठन के जो काम है उसके जो खर्चे हैं उसमें थोड़ा बहुत इससे सहयोग मिल करेगी। जी जी, इस तरीके से आपने देखा कि हमारे बीच में धनंजय जी थे, जो लगातार सदस्यता अभियान चला रहे हैं और जो पूरे बिहार में ड्राइवर्स हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर एक संगठन, एक मंच, एक बैनर के तले लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके साथ में और कौन सदस्यता रसीद एयरपोर्ट पर काटने का काम करते हैं? मेरे साथ कन्हैया जी हैं, जो यूनियन के महासचिव हैं। अच्छा,
तो कन्हैया जी हैं जो यूनियन के महासचिव हैं, वे भी इनके साथ में उपलब्ध रहते हैं। तो आपको कहीं से भी मतलब घबराने की बात नहीं है, ऑथेंटिक लोग हैं और ये लोग अपना पटना कैब ड्राइवर्स यूनियंस का संगठन चला रहे हैं। और जब ज़रूरत होती है, जब एक बैनर तले हैं, आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हम फलाने संगठन से जुड़े हुए हैं, कभी भी कोई समस्या आएगी आप अपनी बात को यूनियन के सामने रखिएगा, तो आपको दिखाने के लिए प्रूफ रहेगा कि हम आपकी यूनियन से पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे पास ये रसीद है। और इस तरीके से कल के डेट में अगर कोई समस्या आती है, कानूनी अड़चन आए, कहीं पर ड्राइवर्स की आवश्यकता पड़े, आप अकेले वहाँ पर संघर्ष को मजबूत महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे समय में यूनियन काम आएगा। तो निश्चित रूप से है, सो अगर आपको सुविधाजनक लगे और आपके पास लगे कि एक यूनियन से आपको संबंधता जरूरी है, तो पटना कैब ड्राइवर यूनियन की सदस्यता ग्रहण करें और अपनी लड़ाई को और आगे तक ले जाने का काम करें। धन्यवाद।